वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 अक्टूबर 2023, और 9 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अंतरिक्ष में 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6:15 पर ये क्लास मिलती है, और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कल जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, और इसके अलावा और उसका जो टेस्ट है वो आज आपको प्रताप क्लासेस के अंदर, जो पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको उसका टेस्ट भी आज आपको मिल जाएगा। तो पूरे साल वाली जो इंडिया करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसके अंदर जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको पता है, आज आपको इसके जस्ट बाद में 19वें एशियन गेम्स 2023 का वीडियो मिलने वाला है। इसके अंदर आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते, पूरी डिटेल में आज आपके लिए इसी इस क्लास के बाद में अभी 8 या 9 बजे तक आपको क्लास है प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, और बढ़िया तरीके से आप देख लेना। और जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, और उसके लिए तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज जस्ट बाद ही अभी मैं लेकर आने वाला हूँ क्लास है, बस आप तैयार रहिए 9 बजे या 8 बजे तक। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये जॉन फोस को दिया गया। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, ये किया है मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने, तो ये लियंडर पेस। किस संगठन ने युवा भारतीयों और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए यूथ हब ऐप लॉन्च किया गया, तो ये किया है यूनिसेफ ने। हाल में दिलीप नोगमेथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये मणिपुरी भाषा में। दूर संचार दिग्गज नोकिया ने किस शहर में 6G लैब सुविधा खोली, तो ये खोली है बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, ये दी है तेलंगाना में। एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, तो अभिषेक शर्मा वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश सावरकर ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति अदिति और प्रणीत ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। और एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और महेंद्र पाल सिंधु ने कौन सा खेल में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता है स्क्वैश में। तो ये थे कल परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज, और कल संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल गई, और उसका जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, और ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट भी चल रही है, लगातार आपको इसके अंदर टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि कल संडे था, कल संडे के दिन आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, संडे के दिन वैसे ही छुट्टी रहती है, और इसके अलावा आज आपको इसके अंदर 8 नंबर का टेस्ट है मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करें, लगातार आपको इसके अंदर 30 टेस्ट है दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस देश से है। पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था ना, कौन सा पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ उसी के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जिस व्यक्ति को दिया गया था, जिस महिला को दिया गया था, उसका उन्होंने देश पूछ लिया था। और यही क्वेश्चन मैंने यहीं पर दोबारा इसी तरह डाल दिया कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस देश से है, तो यह ईरान की रहने वाली, किस देश की, ऑप्शन नंबर बी ईरान देश की रहने वाली। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, यह नरगिस मोहम्मदी है और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखो, ईरान में महिलाओं के हक के लिए आंदोलन छेड़ने वाली एक्टिविस्ट पत्रकार थी ये नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार है दिया
दिया गया, किसके अंदर है, ईरान के अंदर। क्या इन महिलाओं के हक के लिए उन्होंने आंदोलन किया, तो उनको एक पत्रकार भी है नरगिस मोहम्मदी, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओस्लो में नॉर्वे की नोबेल समिति के प्रमुख थे बेरिट राइस अंडरसन ने कहा कि यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के दमन के विरुद्ध उनकी लड़ाई और मानवाधिकार और सबके लिए आजादी को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई को दिया जाता है। उन्होंने किया है महिलाओं के दमन के विरुद्ध उन्होंने किया लड़ाई और मानवाधिकारों से संबंधित आजादी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसलिए उनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार है दिया गया। अभी वह तेहरान की एविल जेल में बंद है और उनको शांति का नोबेल पाने वाली नरगिस 19वीं महिला बन गई है। तो याद रखना, शांति का ये नोबेल पाने वाली 19वीं महिला है। उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 बार दोषी करार दिया गया और 31 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। यानी कि इससे पहले वो जेल में बंद थी, लेकिन फिर भी उनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार है दिया गया। तो याद रखना, ईरान देश की रहने वाली है और ये पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला बन चुकी है। दूसरा क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो 10 जनवरी 2024 के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कौन से संस्करण का? 10वें संस्करण का उद्घाटन है करेंगे। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो गुजरात के अंदर हो रहा है वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन। ये लगभग 10 से 12 जनवरी को गांधीनगर गुजरात के अंदर 10वें संस्करण का उद्घाटन है किया जाएगा। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वृद्धि और विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री के विकसित भारत एट दी ग्रेट 2047 के दृष्टिकोण के साथ है संरेखित है। यानी कि जब ये आयोजन इसका किया जाएगा ना, तब अपनी इसके बाद में पूरी चर्चा आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस देश में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल की प्रोफेसर है कौन है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर जोईता गुप्ता और इनको किस देश में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? ये किया गया नीदरलैंड देश में। कहां पर किया गया है? नीदरलैंड देश में इनको सम्मानित किया गया। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से उनको सम्मानित किया गया। यानी कि नीदरलैंड में जो है विज्ञान में जो सर्वोच्च है ना, हर साल नीदरलैंड की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें हेग में आयोजित सम्मान समारोह में नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिक्राफ ने 13 करोड़ रुपए की प्राइज मनी वाला पुरस्कार इनको सौंपा। हेग कहाँ कर है? यहाँ रखना, नीदरलैंड के अंदर एक शहर हैग है, वहां पर ये सम्मान समारोह के अंदर है। वहां पर जो नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री है रॉबर्ट डिक्राफ ने उनको 13 करोड़ रुपए की प्राइज मनी वाला पुरस्कार है सौंपा। किसको सौंपा है? ज्योति गुप्ता को। कहाँ पर है? नीदरलैंड देश में। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश को लगातार तीसरी बार AIIBD का अध्यक्ष चुना गया है? हाल में किस देश को लगातार तीसरी बार गया है AIIBD का अध्यक्ष चुना गया? और ये चुना गया अपने देश भारत को। किसको चुना गया है? अपने देश है भारत को। AIIBD का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? भारत देश को चुना गया है। देखो, भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIIBD यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस GC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। यानी कि भारत को तीसरे कार्यकाल के लिए यानी कि तीसरी बार है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय एशिया प्रशांत और वैश्विक क्षेत्र में प्रसारण संगठनों द्वारा भारत को दिए गए अपार आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो याद रखना, तीसरी बार भारत को इसका AIIBD का अध्यक्ष चुना गया है। हाल में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और ये बनाया MS धोनी को। किसको बनाया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर खड़े हैं MS धोनी और इनको रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर
महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इतना ही आपको याद है रखना है। अगला, हाल में भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कल आपको बताया 8 अक्टूबर थी और 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और अपना स्थापना दिवस मनाया की बारी 91, कौन सा तो याद रखना, कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 91वां स्थापना दिवस मनाया है। देखो, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट इनका किया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे बनाया है, और वर्तमान में भारत के 91वें वायुसेना दिवस की थीम क्या रही है इसकी बार है, इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर बिहाइंड बाउंड्रीज, यानी कि भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायुसेना निर्धारित की जा चुकी है। तो इंग्लिश में भी मैंने बता दी और हिंदी के अंदर भी मैंने, तो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आपको मैंने दोनों बता दी, भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायुसेना निर्धारित की गई, और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभ शिंप्रिस दीप्तम, तो ये संस्कृत के अंदर है, ये भी आपको आदर्श वाक्य याद रखना है। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप सारे बताएंगे मुझे, महानिदेशक इसके कौन है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? इसकी डिटेल मैं यहीं पर कुछ करवा देता हूँ, बाकी इसके बाद में आपको क्लास मिलेगी। तो भारत इसके अंदर चौथे स्थान पर रहा और भारत ने कुल पदक जीते हैं 107, 107 पदकों के साथ भारत ने इस अभियान का समाप्त किया है। इस अभियान को कौन से 19वें खेल, ये चीन के अंदर आयोजित किए गए, और भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा इसके अंदर पार है कर लिया है। तो टोटल कितने पदक जीते, 107। देखो, इस संस्करण में भारत ने पदकों का शतक पूरा किया और कुल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के लिए हांगजोउ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था और पुरुष शतरंज टीम ने आखिरी पदक जीता था। बाकी मैं आज पूरी डिटेल आपको बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, और किस किस ने किस किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता, ये पूरी डिटेल मैं आपके लिए करवाऊंगा। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष युगल खिलाड़ी स्वाति कसाईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, आपको पता है ये पुरुष युगल की जोड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी स्वाति कसाईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, और इन्होंने एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। देखो, भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन खिलाड़ी स्वाति कसाईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचा। स्वात्विक चिराग ने पुरुष युगल फाइनल में दक्षिण कोरिया के चोई सोल्यू और किम वोनू को मात देकर 41 साल बाद भारत को इस स्पर्धा में पदक दिलाया, यानी कि 41 साल बाद भारत ने क्या है, इस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक दिलाया। कितने साल बाद है, 41 साल बाद, किस खेल के अंदर है, बैडमिंटन के अंदर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? एशियन गेम्स है 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, ये जीता है तीरंदाजी के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तीरंदाजी इनका खेल है और सबसे ज्यादा उन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो, ज्योति सुरेखा और वेनम और ओजस प्रवीण देवताले ने, इन्होंने तो महिला कंपाउंड में जीता है, और ओजस प्रवीण देवताले ने, इन्होंने पुरुष पुरुष कंपाउंड में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। महिला और पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, जबकि अभिषेक वर्मा ने रजत और अदिति स्वामी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक जीते, जिसमें से 7 पदक कंपाउंड वर्ग में जीते हैं। तीरंदाजी में भारत ने क्या 9 पदक जीते, इसके अंदर 7 पदक कंपाउंड वर्ग में जीते। कंपाउंड में सभी 5 स्वर्ण के साथ भारत ने क्लीन स्वीप किया है। तो टोटल भारत ने क्या तीरंदाजी में 9 पदक जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन, किस संगठन के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अंतरिक्ष में 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है? किस संगठन के एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो, और उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर क्या है 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया, और ये है नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। किस संगठन के है, नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो, और उन्होंने क्या है अंतरिक्ष के अंदर 371 दिनों का रिकॉर्ड है बनाया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, बहुत शानदार इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अंतरिक्ष में 371 दिनों के असाधारण प्रवास के बाद पृथ्वी पर 27 सितंबर 2023 को एक ऐतिहासिक वापसी की है। उनके साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री सरगेई प्रोकोपियेव और दमित्री पेटेलियन भी अंतरिक्ष से वापस लौट चुके हैं। इसी के साथ फ्रैंक रूबियो सबसे लंबे समय तक
अंतरिक्ष में रहने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है बन चुके हैं। तो याद रखना बढ़िया तरीके से इसको, नासा के अंतरिक्ष यात्री है फ्रैंक रूबियो, और उन्होंने 371 दिनों का रिकॉर्ड है बना लिया है। अगला क्वेश्चन, 2023 टाइम्स सो नेक्स्टेस्ट द इमर्जिंग लीडर स्वेपिंग द वर्ल्ड सूची में किन 3 भारतीय महिला को शामिल किया गया है। 2023 टाइम्स सो नेक्स्टेस्ट द इमर्जिंग लीडर स्वेपिंग द वर्ल्ड सूची के अंदर 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। एक तो है हरमनप्रीत कौर, एक है ननिता वेंकटेशन और एक है विनू डेनियल। तो इन तीनों महिलाओं को इसके अंदर शामिल किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर सहित 3 भारतीय को टाइम पत्रिका ने दुनिया को आकार देने वाले शीर्ष 100 उभरते लीडर्स के रूप में इसको नामित किया गया है। एक तो याद रखना हरमनप्रीत कौर है। इसके अलावा 13 सितंबर 2023 को जारी 2023 टाइम सो नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड सूची में 3 भारतीय महिला, एक है हरमनप्रीत कौर, एक है नंदिता वेंकटेशन और एक है विनू डेनियल को इसके अंदर शामिल किया गया। साथ ही इस सूची में भारतीय मूल के नवारुण दास गुप्ता को भी इसमें जगह मिल चुकी है। किसको जगह मिल गई है? तो भारतीय मूल के हैं नवारुण दास गुप्ता को इसके अंदर जगह मिल चुकी है। तो तीनों का नाम बढ़िया तरीके से आपको याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में केमिस्ट्री में किन 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मोगीजी बावेंडी, लुइस ए ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव, इन तीनों अमेरिकी साइंटिस्ट को केमिस्ट्री के अंदर यानी कि रसायन के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार है मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, MS धोनी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी लगातार आपको ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्लासें आपको लगातार मिल रही है, और अभी इसके जस्ट बाद में अपने 19वें एशियन गेम्स की अलग से मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप तैयार रहें बढ़िया तरीके से। आपको शानदार तरीके से मैं 19वें एशियन खेलों के अंदर पूरी डिटेल बढ़िया तरीके से मैं करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।